Good morning, students. I am Renu Tamboli from Lial Public School. So, as we know that today we are going to continue our chapter number 2 in MV subject. Name of this chapter is God the Creator. So, first of all, let us summarize it what we have read about it. So, इस chapter में बेटा क्या है? It's a story. It's a short story of God. कि God ने क्या बनाया है? God क्रिएटर क्यों है वो सारा पहले हम समराइज करते हैं फिर इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ओके, तो पहले देखो, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज गॉड मेड द स्काई द सन द स्टार एंड द मून. गॉड एक क्रिएटर है इस वर्ल्ड का, इस विश्व का. क्रिएटर दैट मीन्स क्या होता है? बनाने वाला है ना, निर्मातक, जो चीजों को बनाता है. जैसे गॉड ने क्या बनाया है? गॉड ने इस आसमान को बनाया है, सूरज को बनाया है, चांद, सूरज, तारे, पृथ्वी, इन सबको किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है. और गॉड ने क्या बनाया है? He made the seas and the oceans with all the fish and the animals. गॉड ने सीज और ओशियंस को बनाया, मतलब समुद्र, सागर, इनको भी किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है. इसलिए गॉड को इस पोयम में, इस प्रेयर में क्या बताया है? क्रिएटर बताया है. आगे देखो, गॉड मेड मी, मतलब गॉड ने मुझे बनाया है. और ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग इन द स्काई ऑन द अर्थ एंड अंडर द सी. गॉड क्रिएटर है किसका? आसमान में जो भी चीजें हैं, जैसे तारे हैं, सूरज है, चांद है, उन सबको गॉड ने बनाया है. और पृथ्वी पर भी जो भी सारे क्रिएटर्स है, उन क्रिएटर्स है, उन सबको गॉड ने बनाया है. और समुद्र में जो भी छोटे छोटे जो जंतु है, फिशेस है, उन सबको भी गॉड ने बनाया है. और गॉड ने हमें सबसे प्यारा गिफ्ट दिया है, वो क्या है? हमारे पेरेंट्स. ये भी गॉड ने ही बनाया है. आपको समझ में आ गया गॉड क्या है? ही इज अ क्रिएटर, ही इज अ ग्रेट क्रिएटर एंड अ ऑलमाइटी. ऑलमाइटी मतलब सब कुछ बनाने वाला. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why do we all call God a creator? हम भगवान को एक क्रिएटर क्यों कहते हैं? क्रिएटर क्यों कहते हैं भगवान को? क्योंकि गॉड ने क्या किया है? गॉड ने सब कुछ बनाया. तो आंसर क्या होगा? बिकॉज गॉड मेड द स्काई द सन the stars and the moon and he made everything. God ने चांद, सूरज, तारे और सब कुछ किसने बनाया है? God ने बनाया है. इसलिए हम God को creator कहते हैं. Okay, next question. How did we get our parents? हमें हमारे माता पिता कैसे मिले हैं बताओ? क्योंकि हमारे माता पिता को भी किसने बनाया है? गॉड ने ही बनाया है. तो लिखना है गॉड मेड आर पेरेंट्स. गॉड ने ही हमारे माता पिता को बनाया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. गॉड मेड आर पेरेंट्स एंड ऑल अदर ह्यूमन बींग्स. क्योंकि हमें हमारे पेरेंट्स कैसे मिलने हैं बेटा? क्योंकि भगवान ने पेरेंट्स को बनाया है और सारे प्राणियों को, मानव जाति को बनाया है, तभी हमें क्या मिले? हमारे पेरेंट्स मिले हैं. अब देखो, हाउ कैन गॉड बी द मास्टर ऑफ एवरीथिंग. भगवान मास्टर ऑफ एवरीथिंग, सभी चीजों का मास्टर कैसे है बताओ? क्योंकि क्या होगा आंसर? बिकॉज God is great and almighty. 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 क्योंकि भगवान क्या है? ग्रेट है और ये ऑलमाइटी है. और एक और वर्ड हम क्या लिख सकते हैं? एंड ही इज क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. भगवान को मास्टर क्यों बोला सारी चीजों का? क्योंकि भगवान ने सारी चीजें बनाई हैं.
यस, जैसा कि अपनी क्वेश्चन आंसर में किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन का रिवीजन ले लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाई डू वी कॉल गॉड गॉड अ क्रिएटर. हम भगवान को एक क्रिएटर के नाम से क्यों पुकारते हैं? बिकॉज गॉड मेड द स्काई, द सन एंड द मून. क्योंकि भगवान ने सब कुछ क्या है बनाया है, चांद सूरज तारे इन सबको भगवान ने बनाया है, हमें भी भगवान ने बनाया, इसलिए हम गॉड को क्रिएटर कहते हैं. हाउ डिड वी गेट आवर पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमें कैसे मिले हैं, कैसे प्राप्त हुए हैं? बिकॉज गॉड मेड आवर पेरेंट्स एंड ऑल अदर ह्यूमन बींग्स. क्योंकि भगवान ही हमारे माता पिता को बनाया है और सारी मानव जाति को भी भगवान ने बनाया है. How can God be the master of everything? God, master of everything. सारे चीजों का भगवान मास्टर कैसे है? क्योंकि जो चीज जिसने बनाई है वो उसका तो मास्टर हो गई. Because God is a great and almighty and he is a creator of the world. Now moving to the next question. Next question देखो बेटा क्या है. Write true or false next to it. मतलब it's question regarding a true false. Now I'm going to read sentence number one is God made all the wild animals. Yes, right here, true. क्योंकि भगवान ने सारे जानवरों को भी बनाया है. God can do everything. Yes, true. भगवान सब कुछ कर सकता है, कर सकते हैं. भगवान सब कुछ कर सकते हैं. God can do everything. क्योंकि भगवान creator है और God सब कुछ कर सकते हैं. So right here, true. Yes. Next, only good people were made by God. No, it's false. False. क्या भगवान ने सिर्फ अच्छे लोगों को ही बनाया है? नहीं, भगवान ने तो सिर्फ लोगों को बनाया है. अच्छा बुरा ये सब हम पे डिपेंड होता है. हमारे आसपास जैसा वातावरण होगा, जैसा एनवायरमेंट होगा, हम जैसे माहौल में पलते बढ़ते हैं, हम जैसा देखते हैं वैसे ही इंसान बन जाते, ऐसे इंसान हम बन जाते हैं. तो भगवान ने सिर्फ लोगों को बनाया है, भगवान ने सिर्फ गुड पीपल को नहीं बनाया है, भगवान ने सबको बनाया है. यस, गॉड इज मोर पावरफुल देन किंग्स. क्या भगवान राजा महाराजाओं से भी ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली होता है? यस, गॉड इज मोर पावरफुल देन किंग्स. गॉड विल गिव अस व्हाटएवर वी आस्क फॉर. यस, इट्स ट्रू. हम भगवान से जो भी प्रार्थना करते हैं वो भगवान हमें दे देते हैं. हम भगवान से प्रे करते तो भगवान हमारे अकॉर्डिंग हमें जो चीजें हमें मिलनी होती है उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें दे देते हैं. अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. फर्स्ट देखो बेटा, नीचे आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है. एवरीथिंग चिल्ड्रन और मास्टर, इनका यूज करके आपको ब्लैंक प्लेस पे फील करना है. वी आर ऑल गॉड्स. क्या है? हम भगवान के बच्चे हैं. राइट हियर, चिल्ड्रन, सी एच आई एल डी आर ई एन. गॉड सीज एवरीथिंग. भगवान सब कुछ देख सकते हैं. ई वी ई आर वाई टी एच आई एन डी. नेक्स्ट लास्ट है, God is the master, M-A-S-T-E-R, master of the world. इस पूरे विश्व के मास्टर गुरु कौन है? God है, भगवान है. So children, I hope you understood about this exercise which is regarding our lesson number second, the creator God. So do practice at your home and yes, remember one thing. You have to feel all this exercise in your book. ये आपको बुक में करना है. There is no need to write down in your notebooks. बेटा आपको कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है हम एमडी और जीके का जो भी वर्क है हम बुक में फील करते हैं, उसकी हमारी नोटबुक नहीं बनती है, पता है ना आपको. तो जीके और एमडी का जो भी वर्क मैम आपको स्क्रीन के थ्रू, वीडियो के थ्रू पढ़ा रहे हैं, आपको अपने बुक में फील करना है. ओके, गॉट इट माई पॉइंट. सो सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास.